सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, जो प्रीवियस व्लॉग पे आप लोगों ने इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पे। तो थैंक यू सो मच, आपकी दुआ ऐसे ही बनी रहे। और सभी को आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है, तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही जैसे तरक्की हो रही है होती रहे सभी की, सिर्फ मेरी नहीं। और आज क्योंकि पहला दिन है और वीकेंड भी है, सैटरडे का दिन है, तो मैंने और नेहा ने सोचा कि एक छोटी सी ट्रिप मार के आया जाए, क्योंकि बाइक नहीं है, गियर्स भी नहीं है, तो थोड़ा ब्रेक इन करने के लिए एक छोटी सी ट्रिप मारने का सोचा है। तो अभी चल रहे हैं लोनावला, और पहन के जाऊंगा अपना जैकेट, ये जूता, क्योंकि ग्लव्स तो मैं कल पहन के आया था तो काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जूता और ये पहली बार पहनूंगा। तो लेट्स सी क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जो भी होगा शेयर करेंगे, और एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट ट्रिप, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली रेडी हो गए हैं, और अभी मम्मी पापा और गणपति बापा के आशीर्वाद लेके निकलते हैं। थोड़ा धूप हो गई है, बट स्टिल दिखते हैं जो भी होगा, और धूप है तो अच्छा ही है, कम से कम मैं थोड़ा बहुत GoPro में शूट कर पाऊँगा, क्योंकि GoPro वाटरप्रूफ नहीं होता, आपको पता होगा। तो अच्छा है, होपफुली ये खुला दिन मिले तो अच्छा होगा, अगर ज़्यादा फॉग मिले लोनावला में तो फिर शूट करने का कोई मतलब नहीं होता, फिर दिखेगा ही नहीं कुछ। तो लेट्स होप अच्छा मौसम मिले और निकलते हैं। चालीस किलोमीटर और नेहा एंजॉइंग। नेहा को थोड़ा बैग एडजस्ट करना था, मैं बोला यहाँ पे टिका दो उसको, अभी ऐसे ही 2 मिनट का ब्रेक सीधा। हाँ हाँ, टॉप बॉक्स ज़रूरी है, इसको बैक रेस्ट भी हो जाएगा और सामान भी आ जाएगा। तो चलिए निकलते हैं फटाफट, वहाँ पे बादल दिख रहे हैं और होपफुली अच्छा मौसम होगा, तो चलिए निकलते हैं। तो अभी लिए हैं पहला ब्रेक, खोपोली पहुंच चुके हैं हम लोग, बाइक मस्त परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पे चाय पीने रुके हैं साई अमृतुल्य, बालाजी डोसा बेच रहे हैं, सही है, अभी तक तो सही है, थोड़ा बहुत कीचड़ मिला बट नॉट टू बैड। ये सारी बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स, थोड़ी गंदी अच्छी लगती हैं। आ गई है मस्त कुल्लड़ वाली चाय, और गर्मा गर्म वड़ा पाव बन रहा है अभी, चीट्स। तो चाय स्टॉप हो गया हमारा, दो 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 चाय और दो दो वड़ा पाव खा के अभी चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट कारला केव। तो चलिए चलते हैं, इसको भी रेस्ट मिल गया, हम लोग को भी। तो ये वही स्पॉट है जहाँ मैं अपनी थंडरबर्ड लेके अराउंड 10 साल पहले 2014 में आया था, और सेम स्पॉट पे जहाँ ये टर्न होता है और एक्सप्रेसवे जॉइन होता है, तो यहाँ पे ही फ़ोटो खींचा था, तो नेहा को मैं वही बता रहा था, और लास्ट बाइक के साथ भी खींचा था, तो ये बाइक के साथ भी खींचना बनता है कि नहीं। तो काफ़ी मेमोरीज याद आ रही है पुराने रोड ट्रिप की, चलो 10 ईयर्स वाला किया जाए, ताज़ा हो गई मेमोरीज,
और ये पहाड़ों के बीच। और मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से लोनावला का जो एक्सप्रेसवे है वो रास्ता दिखता है, तो ये नीचे जाके ज्वाइन हो जाएगा ये मुंबई से आता हुआ। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये अपना नेहा फोटो खींचती हुई, अपन भी फोटो बम कर देते हैं। तो बाइक वहाँ पे खड़ा करके पहुँच गए हैं कारला के पार्किंग में। कारला के और ये शायद आई नहीं है ना मंदिर? नहीं, ये पहली बार जा रही है। तो एक वीरा माता का मंदिर है ऊपर, तो चलते हैं, चढ़ाई चालू करते हैं। पहुँच गए फर्स्ट टाइम एक वीरा माता मंदिर। लास्ट टाइम कोविड में आई थी, इसे वापस चले गए। अच्छा, कोविड में आई थी ये लास्ट टाइम। मैं तो कई बार आ चुका हूँ, बाइक से पहली बार आ रहा हूँ, अपनी वो भी अपनी बाइक से फर्स्ट टाइम, अदरवाइज दोस्तों के साथ या क्या बोलते हैं गाड़ी से आया हूँ। ओके, तो चढ़ाई यहाँ से चालू होती है। और मुझे याद है एक आध बार मैं शायद मम्मी और दीपा आंटी वगैरह के साथ आया था, मिश्रा अंकल, तो उनके साथ ये उडुपी रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाया था। डिसेंट है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। यहाँ पे रास्ते में ककड़ी वगैरह मिलेगी तो खाएंगे। ये लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे ककड़ी खाए थे हम लोग, और झरना भी सूखा हुआ था। तो हाफ से ज़्यादा आ गए, नेहा थक गई, रेस्ट ले रही है, और यहाँ छोटे छोटे पिल्लू लोग चिल मार रहे हैं। एक ले जाएं क्या घर? मम्मी पापा मारेंगे। हाँ, मम्मी पापा इनके साथ बाहर छोड़ देंगे हमें भी, फिर हम भी इनके साथ यहाँ पे पड़े रहेंगे। हेलो। तो जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो है, तो कैश है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे स्कैन इन पे। और ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है अगर। किसी को पढ़ना हो तो। और ये आ गए कारला केव्स, सबसे सुंदर लगता है मानसून में। मैं आया तब ये वॉशरूम वगैरह नहीं थे, पूरा खाली था ये सब, ये सुंदर। तो ये है कारला केव्स और ये है एक वीरा माता का मंदिर। तो आप लोग भी बाहर से दर्शन कर लीजिए, अब पता नहीं अंदर अलाउड है कि नहीं है, बट यहाँ से हाथ जोड़ लीजिए कम से कम। देखिए नेहा, हाय। तो यहाँ पे सुंदर सा वाटरफॉल, और अभी नेहा
बात कर रही है घर पे और मम्मी पापा से। डॉगी इज चिलिंग, काफ़ी सारे ओ मुर्गी भी है, कुत्तों के बीच मुर्गी सही है। 25 नहीं 20 मम्मी मम्मी भी वीडियो कॉल पे। मम्मी हाय कर दीजिए सबको। हेलो हेलो, हाय टू हाय पापा। चलो ओरू और सब लोग आ गए। नाइस, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पे। नाइस, तो दर्शन तो काफी सही से हो गए, ज्यादा भीड़ नहीं थी, फट से हो गए। अभी जूता उता पहन के चलते हैं कार्ला। और कैसा हुआ, ओ सॉरी, कैसा हुआ दर्शन? अच्छा हुआ ना, भीड़ नहीं थी, बिल्कुल आराम से दर्शन हो गया। हाँ एकदम, माता जी की मूर्ति भी बहुत अच्छी। हाँ बहुत सुंदर मूर्ति है, तो हाईली रिकमेंडेड। और अभी चलते हैं केव्स वगैरह घूमने और इसकी फोटो ले लेते हैं, थोड़ी खुश हो जाएगी है ना। यस, तो एंट्री करते हैं ये खूबसूरत नकाशी और ये गेट। यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छे से प्रिजर्व्ड है ना, काफ़ी अच्छे से सुंदर सा गेट। और ये निहा किचको, तो अभी हम लोग केव्स होके आए जो पीछे है, और सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी सही थे। हम लोग को मेरा जूता, ये राइडिंग शूज़ था, तो थोड़ा हेजिटेंट था इधर उधर उतारने के लिए। बोला कोई नहीं अंदर उतार दो मेरे पास में, और अंदर बैठ के हमें जूता उता भी पहनने दिया। नहीं काफ़ी सही थे, क्वालिटी भी। हाँ जूते की क्वालिटी देख के बोला कि कोई नहीं मेरे पास रख दो, बाहर गीला वीला होगा। तो अच्छा था, थैंक्स टू हिम हॉस्पिटैलिटी। अभी वो वाला केव हो गया जिसमें स्टूप है, अभी ये छोटे छोटे जो खुले हुए केव्स हैं इसमें जाने का बारी है। लेट्स गो। तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो ले लिया काफ़ी मस्त, और वहाँ पे मौसम बिगड़ता हुआ, काफ़ी ज़ोरदार बारिश आने वाली है, तो फट से भागा जाए, किसी शेड में जाके छुप जाएंगे। तो अभी आए हैं यहाँ मैकडॉनल्ड्स में लंच करने। तो अभी आए हैं हम लोग, खंडाला पहुंच गए हैं लंच वंच के बाद, और मौसम कुछ ऐसा है, पूरा कोहरा कोहरा बादल। मस्त, कैसी रही ट्रिप तुम्हारी? मज़ा आया ना, क्वालिटी टाइम। और यहाँ जनरली एक वाटरफॉल दिखता है, बट अभी इतने बादल हैं कि वो नहीं दिखने वाला, बट काफ़ी मस्त मौसम हो गया, तो सोचा रुक के थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया जाए। गोप्रो तो उतारना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है। सॉरी मम्मी, अमरूद नहीं ला रहे। हाँ अमरूद बिक रहा है, बट सॉरी मम्मी नहीं ला पाएंगे क्योंकि कैश खत्म हो गया। हाँ एक तो छोटा सा बैग लेकर आई है ये, तो उसमें जगह नहीं है। चलो वापस घर वापसी। तो अभी खंडाला से निकल रहे हैं, ये खूबसूरत सी रोड, और यहाँ जो ज़्यादातर लोग रुकते हैं आगे, बट हम लोग थोड़ा पहले रुक गए। और ये पता नहीं ये कैमरे में फ्लिकर हो रहा है, बट एक्चुअल में नहीं हो रहा, अब सही हो गया। तो काफ़ी मस्त माहौल। तो यही था हमारा छोटा सा ट्रिप, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो ये ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कोई भी सुझाव हो कमेंट डाउन बिलो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन, शिफ्रा साइनिंग ऑफ। चीयर्स।